शायटेनी फुटबॉल आप सब की इजाज़त से आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 17 साल बाद हमने यहाँ पे फुटबॉल के शायकीन के लिए मैदान सजाए हैं। ये यकीनन इसकी क्रेडिट जो है मतलब सारे बलूचिस्तान के अवाम को जाता है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को जाता है और आप सबको इसका क्रेडिट जाता है। अगर आप इसी तरह आप टूर्नामेंट्स में आएंगे, आप महसूस होंगे, आप खेल से लुत्फ़ानंदोज़ होंगे, यकीनन इस तरह के इवेंट्स पर मुनक़िद होते रहेंगे। जिस तरह मेरे साथी ने कहा कि हर साल इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाए, मैं अभी ऐलान करता हूं कि अगर कोविड-19 ने हमें इजाज़त दिया तो इंशाअल्लाह ताला ये इवेंट हर साल मुनक़िद होता जाएगा। हमने ये फैसला किया है, जिस वक्त हम मैंने ये पोर्टफोलियो लिया संभाला तो आप पावर कर ले कि इस स्पोर्ट्स यूथ कल्चर ये वो डिपार्टमेंट थे टूरिज्म जिसे निगलेक्ट रखा गया था, जिसे इग्नोर रखा गया था, जिसकी कोई इतनी ज़्यादा अहमियत न थी। लेकिन जाम साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब कभी हमने उनसे गुजारिश की कि हम इस तरह के इवेंट्स कर रहे हैं, हमारी स्पोर्ट्स ग्रांट्स में आप इजाफा कर लें, तो उन्होंने हर साल उसमें इजाफा किया। उन्होंने हर साल ग्रांट्स में, हमारी यूथ के ग्रांट्स अभी बहुत कम है। मैं यहाँ से इस स्टेज से मेरी गुजारिश ये होगी कि यूथ के लिए हमारी ग्रांट्स भी उसमें इजाफा होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस मुल्क का यूथ बेदार होगा, जिस मुल्क का यूथ बाशऊर होगा, जिस मुल्क का यूथ जिम्मेदार होगा, यानी जिस यूथ यानी नौजवान जिम्मेदार नौजवान होंगे, तो आप बावर कर ले कि वो यूथ की बदौलत, उस नौजवानों की बदौलत वो तरक्की, वो मुल्क, वो सूबा तरक्की के मनाजिल तय कर पा सकेंगे। लेकिन जिस यूथ, जो यूथ अगर गलत एक्टिविटीज़ में होगा, मनफी सरगर्मियों में होगा, यकीनी तौर पर वो जराइम पेशा शख्स बनेगा, वो मंशियात के हादी होंगे, वो उस सोसाइटी समाज सुबह शहर के लिए एक बड़ा दर्द सर होगा, एक बोझ होगा उस मुल्क के लिए। और हमारी ये बदकिस्मती रही है कि हमने कभी भी अपने यूथ को जो है मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दी, कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि अपने यूथ के लिए, अपने जवानों के लिए हमने क्या क्या करना है, क्या क्या हिकमत अमली बनाना है। हमने कभी भी उनकी पॉलिसी के लिए, यूथ पॉलिसी के लिए तवज्जो नहीं दी। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स एंड यूथ डिपार्टमेंट जो है वो यूथ पॉलिसी को भी सामने लाएंगे, कैबिनेट में लाएंगे, उसमें हाउस के अंदर लाएंगे और उसे पास कर देंगे। इसलिए मैं समझता यही हूँ कि हमारे यूथ हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिस यूथ को हम सही ट्रैक देना है, हमने इनके टैलेंट से मुस्तफीद होना है, हमने इन्हें हर शोबे ज़िंदगी में जो है मतलब इनको ले जाना है, उस शोबे ज़िंदगी को हमने आबाद रखना है, तभी जाकर हमारा मुल्क तरक्की पा सकेंगे। वरना हमारे दुश्मनों की आंखें भी हमारे नौजवानों के ऊपर लगी हुई है, वो हमारे नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों से हटाकर उनकी तवज्जो मनफी सरगर्मियों की तरफ ले जाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इनके यूथ जो है जराइम पेशा बने, इनके यूथ जो है दूसरी दुनिया का प्रॉक्सी बने और उनके मुफादात, मज़मूम अज़ाइम के मकासिद को हासिल करने के लिए हमारे यूथ का कंधा इस्तेमाल करना वो चाहते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यूथ जो है मतलब हमारी यूथ जो है एम्पावर हो जाए, हमारे यूथ सही संत में जाए, सही डायरेक्शन में जाए। उसके लिए ज़रूरी यह है कि उनके लिए हर किस्म के जो भी उनसे मरबूत है, जो भी यूथ से रिलेटेड जो भी है, जो भी एक्टिविटीज़ है, हमारा डिपार्टमेंट, जो हमारी डिपार्टमेंट है, हम ये चाहते हैं
कि वो सारे काम करें ताकि हमारे यूथ हर चैनल में हर शोबे ज़िंदगी में आगे जाए। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस कौम की यूथ को हमने एम्पावर करना है, हमने ज़िम्मेदार यूथ बनाना है। दुनिया में जो भी कौम है जिनके यूथ जिनके नौजवान ज़िम्मेदार हुए हैं, जब उनके अपनी ज़िम्मेदारी को एहसास किया है, आपने देखा है वो मुल्क तरक्की के मनाजिल तय कर चुके हैं। चाइना की मिसाल आपके सामने है। मैं 3 मरतबा चाइना जा चुका हूँ। मुझे हर मरतबा उनके यूथ में कमिटमेंट नज़र आया है, मुझे हर मरतबा उनके यूथ में जो है मतलब एक पोटेंशियल नज़र आया है, मुझे हर मरतबा मैंने उनके यूथ को एनर्जेटिक देखा है। और आज जो तरक्की के मनाजिल चाइना तय कर रहा है वो अपने यूथ की बदौलत है। और इसी तरह जितने भी दुनिया में एडवांस्ड कंट्रीज है, आप उनके जवानों को देख लें, उनके जवान जो है खेल की तरफ रागिब है, चाहे जो भी स्पोर्ट्स हो वो उनकी शिनाख्त बना हुआ है। और जो कौमें जो है स्पोर्ट्स की तरफ रागिब होंगे, यकीनन वो कौमें सिविलाइजेशन की तरफ जाएंगे, तेज़ी व तमद्दुन की तरफ जाएंगे, एक दुनिया में एक पुरवकार कौम बनने की तरफ जाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि अपने यूथ के लिए सरगर्मियाँ मुहैया करें, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए, मुख्तलिफ वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर सेंटर वहाँ पे बनाए, वहाँ पे हर हवाले से म्यूजियम बनाया जाए ताकि हम अपनी तारीख सिविलाइजेशन से आगाह हो जाए। इसलिए डिपार्टमेंट मुकम्मल पुरअज़म है कि हम इससे ज़्यादा जो है मतलब काम कर सके। जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि इंटर स्कूल्स टूर्नामेंट मुनक़द किया जाए, मैं अभी सेक्रेटरी साहब से मैंने यही हमने डिस्कस की कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इंटर स्कूल्स टूर्नामेंट कराएंगे। हम उसमें न सिर्फ एक फुटबॉल होगा, उसमें हर गेम्स होगा ताकि हमारी यूथ जा जिस जिस गेम्स में होगा, जिस जिस स्पोर्ट्स में उनका लगाव होगा, उनको हम उसी तरफ जो है रागिब कर सके, मुस्बत सरगर्मियों की तरफ ले जा सके। तो मैं अपनी जानिब से खसूसन बलूचिस्तान के अवाम, कोटा शहर के अवाम और मुख्तलिफ यहाँ से आए हुए जितने भी मेहमानान गिरामी है, बाहर से सूबों से आए हुए डिपार्टमेंट के लोग आए हुए हैं, आज कम अज़ कम हमने ये बता दिया कि कोटा इंशाअल्लाह ताला अमन की तरफ जाएगा, कोटा में मोहब्बत होगी, भाईचारा होगी, यहाँ पे स्पोर्ट्स होंगे, यहाँ पे इवेंट्स मुनक़द होंगे, हम अपने शायकीन को महसूस करने के लिए उनके लिए इस तरह की एक्टिविटियाँ इंशाअल्लाह ताला अरेंज करते रहेंगे। जिंदाबाद पाकिस्तान, पाइंदाबाद बलूचिस्तान। थैंक यू। तकरीबन 17 सालों बाद कोयटा में आज पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद करके फुटबॉल को दवा बख्शा, बल्कि मुल्क और पूरी दुनिया में पुरअमन बलूचिस्तान की तस्वीर पेश की। जनाब आला, जैसे कि आप जानते हैं बलूचिस्तान का कौमी खेल फुटबॉल है और यहाँ की आवाम फुटबॉल से वलवला अंगेज हद तक मोहब्बत रखते हैं। फुटबॉल का खेल यहाँ के आवाम के रूह में रच बसा है। कौमी खेल होने के बावजूद जनाब आला, माजी में इस खेल को सरकारी सतह पर वो अहमियत नहीं दी गई जिसका वो हकदार था। आप मौजूदा वजीर आला बलूचिस्तान मशहूरी खेल और सूबाई हुकूमत से ये उम्मीद रखते हैं कि वो फुटबॉल को इसका जायज़ मकाम देकर इसकी भरपूर सरपरस्ती करेगी। जनाब आला, आज से 40 साल कबल फुटबॉल के खिलाड़ियों को जो सरकारी सहूलियात और फुटबॉल के जो ग्राउंड मुयसर थे, आजानों का सिलसिला जारी रहेगा। जनाब आला, मैं अर्ज कर रहा था कि माजी में आज से 40 साल कबल फुटबॉल के खिलाड़ियों को जो सरकारी सहूलियात दस्तियाब थे या यहाँ पे जो ग्राउंड मुयसर थे, आज उनमें इजाफे की बजाय उनमें कमी देखने में आ रही है। बिलखसूस अफगान जंग के बाद क्वेटा शहर की आबादी अक्सर तब्दील होकर रह गई। जहाँ जहाँ पहले खाली मैदानों में कच्चे ग्राउंड थे, बढ़ती हुई आबादी के बायस
और आज वो कच्चे ग्राउंड कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गए हैं। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 15-20 सालों में अमन अमान की मखदूश सूरतयाल ने माशरे के मुख्तलिफ शोबों को जहाँ मुतासिर किया, वहाँ फुटबॉल का खेल और दूसरे खेल भी शदीद मुतासिर हुए। अमन अमान के बाइस तालीमी इदारों में तालीमी इदारों के सरबराहान ने अपने ग्राउंड खिलाड़ियों के लिए बंद कर रखे थे। जनाब आला, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अमन अमान की सूरत पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है। आपसे गुजारिश है कि आप तालीमी इदारों के सरबराहान को यह अहकाम दे दें कि वो अपने ग्राउंड को खिलाड़ियों के लिए खोल दें ताकि ग्राउंड दोबारा खिलाड़ियों से आबाद हो सकें। जनाब आला, यहाँ यह अर्ज करता चलूँ कि हमारे दौर में प्राइमरी, मिडल, हाई और सेकेंडरी की सतह पर स्कूलों और कॉलेजों में इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज मुकाबलों का इनेकाद किया जाता था, जिसके बायस फुटबॉल के नाम पर खिलाड़ी पैदा होते थे। इस जमाने में मायानास फुटबॉलर्स जनाब कयूम चंगेजी और आशम तरीन स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से ये काम सर अंजाम देते थे। हमारी गुजारिश है कि न सिर्फ फुटबॉल बल्कि तमाम खेलों को स्कूलों की सतह पर दोबारा मुनज़म किया जाए ताकि माशरे में सेहतमंदाना सरगर्मियों का आगाज हो सके। जनाब आला, आप बखूबी जानते हैं कि फुटबॉल एक इंतहाई दिलचस्प खेल है, तो दूसरी जानिब सख्त मेहनत मुशक्कत और मुशक्कत का तालिब खेल है। फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ियों बलूचिस्तान और पाकिस्तान की सतह पर नुमाइंदगी करते हैं, तो उनकी उम्र इसमें वो अपनी उम्र इसमें लगा देते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको माशी मसला दरपेश होता है। जनाब आला, लिहाजा आपसे गुजारिश व इस्तेदा है कि खिलाड़ियों के सालाना डेढ़ के लिए सालाना 1.5 लाख का ग्रांट का ऐलान किया जाए और उनके लिए वजीफा समेत उनके बच्चों की तालीमी अखराज भी हुकूमत बलूचिस्तान बर्दाश्त करे। जनाब आला, फीफा ने अयूब स्टेडियम में फुटबॉल हाउस की तामीर की है, जिसमें खिलाड़ियों की के लिए रिहाइश समेत मुख्तलिफ मीटिंग हाल भी मौजूद हैं, लेकिन फुटबॉल हाउस की चार दीवारी ना होने के बायस हमें मुश्किल दरपेश हैं। आपसे गुजारिश है कि फुटबॉल हाउस की चार दीवारी की तामीर और फुटबॉल हाउस से मुतसिल फुटबॉल ग्राउंड को मस्नूई ग्रासी लगाने के अहकाम जारी फरमाएं ताकि मस्कुरा ग्राउंड में फुटबॉलर्स की कोचिंग और तरबियत की जाए। जनाब आला, हुकूमत बलूचिस्तान से गुजारिश है, ये बहुत अहम मुतालबा है हमारा कि आल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को हर साल मुनक़िद किया जाए ताकि इसको पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के कैलेंडर में शामिल किया जाए। जनाब आला, प्रीमियर लीग में भी टीमों को जाने के लिए मसला होता है, उनके साथ अमाउंट का मसला है। मैं अपनी बात मुख्तसर करूंगा, खेल शुरू हो चुका है तो जनाब आला, इसके अलावा भी मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, DFA NC, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, तमाम रेफरी साहिबान और उदा एक्शन कमेटी समेत तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ासकर क्वेटा के आवाम का, क्वेटा की तमाशाइयों का, उन्होंने जम गफीर की सूरत में इस टूर्नामेंट में देखने आए और ये साबित किया जो वाकई बलूचिस्तान में फुटबॉल के खेल के साथ वलवलाना अंगेज मोहब्बत रखते हैं। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सादुल्ला खान, मिलने हैं, उन्हें अपने नामों का पता है, उनसे गुजारिश। और सुल्तान लाला जदीद का कोऑर्डिनेटर है, आपकी जज्बा, आपकी तहसीब।
बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए, आप साथ रहे। आप आपकी मोहम्मद सलीम बीएसपी, अगर यहाँ पे कोई रोजगार मौजूद है बेस्ट प्लेयर, रुपए कैश, बेस्ट गोलकीपर जावेद बलोच, जावेद फेयर प्ले टीम, पंजूर का बेस्ट प्लेयर बिल्कुल बिल्कुल को नजर मिलेगी। अफगान खिलाफ जीवन कैमरा लो, मैं जा रहा हूँ, अंदर आ जाओ कैमरा, ठीक है। वेरी वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेल खेले, लेकिन जितना किसी भी टीम को है वहाँ के आप जुड़े थे, लेकिन आज आपकी बैठक थी, आपने आपको 5 लाख रुपए कैश से नवाजा जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल आप फिर तशरीफ लाएंगे और फिर हम रोजाना हमें आपसे इस तरह जाने नहीं देंगे इंशाल्लाह। तो आप सब करेंगे बेहतर।